हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनन का M50 क्यों यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है। तो दोस्तों 2018 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था 26 फरवरी को, उसके बाद से ही ये मार्केट में अपना रुतबा बनाए हुए है। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक इस कैटेगरी में सबसे नंबर वन बना हुआ है। तो आज का ये वीडियो इसी बात पर है कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसे इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एक यूट्यूबर या एक ब्लॉगर या ऐसे यूज़र के लिए जो वीडियो कंटेंट बनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि उसका जो कैमरा हो वो वीडियो रेडी हो और उसमें जितने ज़्यादा वीडियो के फीचर हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। तो इस मामले में M50 बहुत आगे है। एक छोटी सी बॉडी जिसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने मनचाहे लेंसेस चेंज कर सकते हो। इसके अलावा 4K फुल HD HD अगर आप स्लो मोशन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें 120 FPS अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती हैं जहां पर आप शानदार वीडियोस ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे वीडियो MP4 में एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसका आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो, आप उस वीडियो को सीधे सीधे उठा के कहीं पर भी पोस्ट करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी स्क्रीन की जो किसी भी डायरेक्शन में आपको डिस्प्ले दिखा सकती हो। ये इस सेगमेंट में एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जहां पर आपको आर्टिकुलेटेड 360 डिग्री स्क्रीन मिलती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्क्रीन का एंगल किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है इस चीज़ का वो ये है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे सीधे सामने ही रखना है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। आप इसे टॉप शॉट ले सकते हैं, आप इसे बॉटम शॉट ले सकते हैं और हर बार अगर आप यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं, इसका मतलब आप कैमरे के सामने हैं तो भी आपको आपकी स्क्रीन दिखती रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है टच एंड ड्रैग की फैसिलिटी। आपका अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो सिंपली आपने अपने जो EVF है उस पर EVF को देखते हुए आप सिंपली अपनी स्क्रीन को अपने थंब से ड्रैग, टच एंड ड्रैग कर सकते हैं। आपका फोकस आपके ड्रैग के हिसाब से, जहां पर आपका ड्रैग जाएगा वहां पर आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा फीचर है जो इसकी इस स्क्रीन को 360 डिग्री स्क्रीन को ना सिर्फ यूट्यूबिंग के लिए बहुत अच्छा बनाता है बल्कि अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी में भी आपके फास्ट फोकसिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये दोनों फीचर ऐसे हैं जो टच स्क्रीन होने के साथ साथ 360 डिग्री आर्टिकुलेटेड और टच एंड ड्रैग फीचर, ये सारे फीचर्स मिलके इसे बहुत आगे का प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम बात करें तीसरी चीज़ की तो वो तीसरी चीज़ है फोकसिंग। फोकसिंग के लिए हमेशा ये माना जाता है कि आपकी फोकसिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फास्ट आपकी फोकसिंग होगी उसी हिसाब से आपका जो वीडियो है उसमें आपके मोशन इतनी ही आसानी से फोकस में रहेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं M50 की तो इसमें ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम है जो कि 80x80% के हिसाब से आपको फोकसिंग दे सकता है। आपका जो स्क्रीन है उसका 80x80% आप यूटिलाइज कर सकते हो फोकसिंग के लिए। इसके अलावा कुछ लेंसेज में आप इसमें 80x100 का जो कवरेज है वो कवरेज ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है, एक तो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी धाक जमाए हुए है, उसके ऊपर से आपको इतना वाइड एरिया मिल जाता है जहां पर ये फोकसिंग करता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्ट को, अगर आप सपोज किसी चीज़ का वीडियो बना रहे हो या आप खुद का यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो उस टाइम आपको हमेशा फोकस में बनाए रखती हैं। चौथी चीज़ है साउंड। अगर हम बात करें एक वीडियो की तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि साउंड भी हम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकें। अगर हम वीडियो बनाते हैं तो पॉसिबली हम उसमें एक्सटर्नल साउंड डालते हैं, बट जब हम यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उस समय हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा कैमरा है वही साउंड को रिकॉर्ड करे और जो सिंक्रोनाइजेशन है वो मेंटेन रहे। इस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए इसमें, इस कैमरे में M50 में आपको एक माइक का कनेक्टर मिलेगा। तो
ये एक एड ऑन हेल्प हो जाती है। आप अपने कैमरे पे एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो जिससे कि आपका साउंड बहुत क्लियर रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आप माइक नहीं भी लगाते हैं तो भी आप बहुत अच्छा साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी तक के जितने भी पिछले 2 सालों में टेस्ट हुए हैं उन सारे टेस्ट में ये माना गया है कि इसका जो साउंड क्वालिटी है बिना माइक एक्सटर्नल माइक के भी, इसका जो इंटरनल माइक है बहुत शानदार साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड करता है। नॉइज कैंसिलेशन और इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ ये आपको बहुत शानदार वॉइस को रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है। चौथी चीज़ जो इसे यूट्यूबर या ब्लॉगर्स के लिए इम्पोर्टेंट बनाती है वो है इसका वेट। ये 400 ग्राम से भी कम वेट का प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द टाइनी साइज। इसकी साइज छोटा है, इसका वेट कम है और जो इसके लेंसेज आते हैं वो यूजुअली बाकी लेंसेज से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी रेगुलर यूज़ का जो बैग है उस बैग में ही जा सकता है, आपके पर्स में जा सकता है, तो बहुत आसान है इसे कैरी करना। इतने कम वेट की वजह से आप इसे आसानी से किसी भी ब्रिज गिम्बल पे माउंट कर सकते हो। ब्रिज गिम्बल बेसिकली वो गिम्बल हैं जो 15,000 से 20,000 के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि लाइट वेट मिररलेस कैमराज के लिए यूज किए जा सकते हैं। बहुत कम बजट में ही आप अपने लिए एक शानदार गिम्बल भी ओन कर सकते हो बिकॉज ऑफ जस्ट इतना कम वेट और इतने छोटे साइज की वजह से। इसके बाद पांचवें नंबर पे बारी आती है लेंस ऑप्शन की। एक प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें कितने वेरियस ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जब आप अलग अलग टाइप के लेंसेज यूज कर सकते हो। तो कैनन इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। अगर आप M50 की बात करते हो, ये M सीरीज़ का प्रोडक्ट है जिसके हिसाब से इसमें कैनन की 3 अलग अलग लेंस सीरीज़ आपको यूटिलाइज हो सकती हैं। पहली है EF M सीरीज़ जो कि स्पेशलाइज्ड M सीरीज़ के मिररलेस के लिए बनी हुई है। दूसरा सीरीज़ है EF-S जो कि क्रॉप बॉडी सीरीज़ के जो DSLR आते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए बनी हुई है। और तीसरा है EF लेंसेज जो फुल फ्रेम कैमरा पर लेंसेज लगते हैं। इसका मतलब यह है कि 3 बहुत बड़ी रेंज के लेंसेस आप इसमें यूज कर सकते हो। छठे नंबर पर हम बात करते हैं फोटोग्राफी के बारे में। ये सारा जो हमने अभी तक डिस्कस किया था ये था वीडियोग्राफी के बारे में, लेकिन अगर आप वीडियोग्राफी के साथ साथ फोटोग्राफी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो अगर आप फोटोग्राफी की बात करें तो 24 मेगापिक्सल के साथ ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो फोटोग्राफी के लिए इसे बहुत शानदार बनाता है। और ये एक मिररलेस इक्विपमेंट है, लाइट वेट है, जिस पर आप अलग अलग टाइप के लेंसेज लगा सकते हो। और फाइनली आपको एक EVF इसमें मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जो कि OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका मतलब यह है कि फुल डे लाइट में जिसमें बिल्कुल हार्स लाइट होगी उस टाइम पर भी आपको आंख लगा के अगर आप शूट कर रहे हैं तो उस डिस्प्ले के अंदर ही आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। आप उन फंक्शंस को चेंज कर सकते हो बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, चीज़ों को चेंज कर सकते हो और आपने जो फोटोग्राफ खींचा हो उस फोटोग्राफ को देख सकते हो। जो व्यू फाइंडर है बेसिकली वो व्यू फाइंडर का जो डिस्प्ले है वो भी आपको थोड़ा बड़ा नज़र आता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको होल फोटोग्राफी के लिए भी इसे एक परफेक्ट पैकेज बनाती हैं। दोस्तों सातवां और फाइनल पॉइंट मेरा है बजट फ्रेंडली। ये इक्विपमेंट इस सेगमेंट में सबसे कम प्राइस का मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो कैनन इंडिया के पेज पे करंट प्राइस इसकी 51,999 रुपये है। अगर आप देखते हो तो इसके कंपटीटर जो हैं वो इससे करीबन 10,000-20,000 रुपये ज़्यादा ही आपको उनके लिए खर्चना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको इतनी बड़ी लेंस रेंज का प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ 360 डिग्री स्क्रीन नहीं मिल पाएगी। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इसे अगेन इस मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की परमिशन देती हैं। सो अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट पैकेज बनाने की तो लाइटिंग, अपने एक ब्रिज गिम्बल और अपने एक इक्विपमेंट के साथ जितना मैं ओवरऑल खर्च करने के बाद अपने इस प्रोडक्ट को एक कंप्लीट पैकेज बनाऊंगा उतने में आपको कंप्यूटर का सिंगल प्रोडक्ट जिसमें कैमरा और एक लेंस है सिर्फ वही मिल पाएगा। तो इसका जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ईजी टू कैरी है, छोटा सा है, वेट कम है, आप आसानी से ले जा सकते हो। ये ना आपकी जेब में भारी होता है और ना ही आपकी जेब पर भारी पड़ता है।
इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, ये फरवरी 2018 में आया था और अभी भी ये मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन बना हुआ है यूट्यूबर और ब्लॉगर्स के लिए। आई होप इन 7 पॉइंट्स को देखने के बाद आप भी ये कह सकते हो कि यस, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दिस कैटेगरी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।